नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानां भ्राजते तव मुखाद् मनल्प कांति विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबं दलित मोह महाअंधकारम मोह रूपी महाअंधकार को दलित नष्ट करने वाले हैं। गम्यम ना राहु वदनस्य राहु वदनस्य ना गम्यम राहु के वदन मुख राहु के मुख के गम्य नहीं हो अर्थात राहु आपको ग्रस नहीं सकता ना वारी दानाम और ना ही बादल आपको ढक सकते हैं मतलब बादलों के गम में नहीं हो और राहु के भी गम में नहीं हो दोनों के साथ गम में लगा लेना अर्थात राहु के मुख के द्वारा गिरसे नहीं जाते और बादलों के द्वारा छिपाए नहीं जाते। और कैसे हैं आप विभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्प कांति मुख अब्ज अब्ज मतलब होता कमल मुखाब्ज का मतलब हो गया मुख कमल मुख कमल मुख कमल अनल्प कांति क्या लिखा मुखाब्जम अनल्प कांति अनल्प कांति मतलब ना अल्प कांति इति अनल्प कांति अल्प मतलब थोड़ी सी और अनल्प ज्यादा अधिक ना अल्पम इति अनल्पम ना सत्यम इति असत्यम ना सत्यम असत्यम ना अल्पम अनल्पम है ना ऐसे लगाना। तो जिसके जिनके मुख कमल की अनल्प कांति है अर्थात जिनके मुख रूपी कमल का तेज अत्यधिक स्फुरायमान होता है विभ्राजते कैसा होता है शोभित होता है सुशोभित होता है। और कैसे हैं आप विद्योतयत जगत अपूर्व शशांक बिंबम विद्योतयत जगत जगत को विद्योतयत जगत को कैसे करते हैं आप विद्योतित करते हैं जगत को प्रकाशित करते हैं विद्योतयत जगत जगत को प्रकाशित करने वाले आप कैसे हैं अपूर्व शशांक बिंबम अपूर्व चंद्रमा के बिंब हैं उधर अति सूर्य से भी बढ़कर बता दिया और यह चंद्रमा के अपूर्व बिंब बता दिए। पहले इसके पहले क्या बताया था आप अपूर्व दीप हो अब यहाँ क्या बताया आप अपूर्व चंद्र हो कैसे फिर नित्य उदयम नित्य उदित रहने वाले मोह महांधकारम दलित मोह रूपी महांधकार को नष्ट करने वाले और राहु वदनस्य ना गम्यम राहु के मुख के गम नहीं होता राहु द्वारा ग्रसे ना जाने वाले और अनल्प कांति मुखाब्ज अनल्प कांति आपके मुख कमल की जो है अनल्प कांति है अत्यधिक कांति वाला है आपका मुखमंडल। और कैसे हैं आप विद्योतयत जगत जगत को विद्योतयत जगत को प्रकाशित करने वाले अपूर्व शशांक बिंबम आप अपूर्व चंद्रमा के बिंब हैं।